थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की शान है। तो चलिए देखते हैं इसको मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुकू की वेज थाली में। तो आज की मेरी रेसिपी है लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैं इसे अपने तरीके से बनाऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिना कोयले बिना अंगीठी के इसे मैं बनाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका सत्तू तैयार करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक खल, और इसमें मैं एक इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से टुकड़ों में काट करके डाल दूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसे डाल रही हूँ काट करके। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, और साथ में मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। तीखा अपने आप अपने हिसाब से ले कि आपको कितना तीखा पसंद है, उस हिसाब से इसमें मिर्ची का प्रयोग करें। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे टुकड़ों में काट करके तोड़ करके ले रही हूँ, और इसको हम अब दरदरा सा कूट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमने तीनों को कूट लिया है, अदरक लहसुन और मिर्ची को। देखिए इस तरीके से दरदरा सा मैंने कूट करके ले लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चने का सत्तू। सत्तू आप अपने परिवार के हिसाब से लें कि आपको कितनी बनानी है लिट्टियाँ, उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपने परिवार के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलौंजी, जिसको हम मंगरेला भी बोलते हैं, और ये भी है आधा चम्मच के हिसाब से। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अजवाइन, ये भी है आधा चम्मच के हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। तो इसको मैं इस तरीके से निचोड़ करके डाल दे रही हूँ। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार लें। तो देखिए, इसमें मैंने नमक को डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च को जो हमने कूट करके रखा था, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल के साथ ही ये सत्तू टेस्टी बनती है, तो आप यहाँ पे सरसों का तेल ही प्रयोग करें। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया पत्ती। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अब हम सबको करेंगे मिक्स। तो देखिए, हम इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घर का बना हुआ आम के अचार का मसाला। अगर ये नहीं हो आपके पास तो इसे आप स्किप कर सकती हैं। तो अब हम सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर सत्तू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा ले ली हूँ, और आटा भी मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले लें। और इस तरीके से पानी डालते हुए हम जैसे रोटियों का आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके से हम आटा लगा लेंगे, लेकिन हम आटा रोटियों से थोड़ा सख्त लगाएंगे। रोटियों की तरह आटा मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो चलिए अब हम लिट्टियों को बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसके पहले पेड़े तोड़ लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं
पहले लोई तोड़ लूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी लोई तोड़ ली है और अब मैं इस तरीके से हाथों पे घुमाते हुए इसके पेड़े बना लूँगी। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, और इसको हम कर लेंगे गोल। और इसे घुमाते हुए मैं इस तरीके से कटोरी का शेप दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कटोरी की तरफ बन गई। अब हम इसमें मसालों को डालेंगे और इसको इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते हुए हम इसको, इसका मुंह जो है उसको बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से घुमाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा देंगे। तो देखिए, और फिर इसको हम इस तरीके से हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए इसको हम एकदम गोल बना लेंगे, देखिए बॉल की तरह। तो यहाँ पर एकदम ये बॉल की तरह बन गया है। तो चलिए हम दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो हम इसी तरीके से दूसरे लोई को भी ले लेंगे और उसको घुमाते हुए इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे और फिर हम पेड़े को इस तरीके से कटोरी बना लेंगे घुमाते हुए। फिर हम इसमें डाल देंगे सत्तू को और इसे घुमाते हुए हम इसको भी इसी तरीके से घुमा घुमा कर इसका मुंह बंद कर देंगे। देखिए और फिर हम हाथों पे इस तरीके से इसे घुमाते हुए गोल शेप दे देंगे बिल्कुल बॉल की तरह। तो देखिए यहाँ पे ये बन चुका है। हम इसी तरीके से सभी लिट्टी को भर करके बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी लिट्टियों को भर करके बना लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखने में कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए अभी हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक जाली को रख दिया है इस तरीके से, और इस जाली पर हम लिट्टियों को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 लिट्टियों को रख रही हूँ, उससे ज़्यादा इस पे आएगा नहीं। और इस तरीके से इसे घुमाते हुए हम सेक लेंगे। तो देखिए, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रखा है, तो कढ़ाई भी हमारा गर्म हो रहा है। देखिए इस तरीके से हम लिट्टियों को घुमा घुमा के चारों तरफ से हल्का सा सेक लेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये लिट्टी सेक चुका है। तो हम इसको अब डाल देंगे कढ़ाई में जो हमने गर्म होने के लिए रखा था दूसरे साइड। अब फिर हम इसी तरीके से दूसरे सब लिट्टियों को बारी बारी से सेक लेंगे और सेकते हुए कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो नेट पे जो लिट्टी को सेका था उसे मैं इस तरीके से कढ़ाई में डालते जा रही हूँ और इसको मैं ढक दे रही हूँ। और यहाँ पे आँच है उसको हम एकदम धीमा रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं नेट पे सेक रही हूँ लिट्टियों को और यहाँ पे मैं कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी लिट्टियों को डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी और इनको हम कर लेंगे इस तरीके से मिक्स घुमा घुमा के। तो देखिए लिट्टियों में अच्छी तरह से घी मिक्स हो चुका है। और अब हम इसको फिर से ढक करके धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। और इसे हम बीच बीच में इस तरीके से लिट्टियों को हम घुमा देंगे, देखिए। और फिर से हम इसे ढक करके पकाएंगे। हमें इसे बस 1 से 2 मिनट या फिर 3 मिनट ही पकाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये लिट्टियाँ पक चुकी है और इसकी पहचान यही है कि ये लिट्टियाँ जब फटने लगे, देखिए इस तरीके से इसमें क्रैक आ जाए, मतलब कि ये लिट्टियाँ हो चुकी हैं। देखिए तो सारी लिट्टियों में इस तरीके से क्रैक आ गया है, आप देख सकते हैं सबको। और ये कितना अच्छा सिक भी चुका है, देखिए। और दोस्तों ये बहुत ही आसानी से सिक जाता है। तो चलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म लिट्टियाँ बन करके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बैंगन और टमाटर के चोखे के साथ सर्व कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको इस चोखे की रेसिपी को देखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मैं आपको इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं लिट्टियों को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों अभी ये लिट्टियाँ इतनी ज़्यादा गर्म है कि मेरा हाथ भी इस पर सहा नहीं जा रहा है, लेकिन इन लिट्टियों को गर्मा गर्म ही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और ये लिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनी हैं। तो बस इसी तरीके से आप भी इस लिट्टी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताइएगा कि ये लिट्टी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।